प्रांत के मैं हूँ ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बीरपुर कटरा में विजय चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोंडा विधानसभा क्षेत्र कटरा बाजार के ग्राम सभा बीरपुर कटरा में तीसरे दिन विजय चौपाल का आयोजन हुआ। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन विधानसभा अध्यक्ष व सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अर्जुन प्रसाद गोस्वामी ने किया और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक वैजनाथ दुबी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है तथा गौशाला निर्माण के नाम पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। गौशाला में गाय भूखी मर रही हैं, ना तो उनके रहने की समुचित व्यवस्था है और ना ही चारे की व्यवस्था है। गौ माता के नाम पर वोट लेने वाले लोग फायदा के लिए गौ माता को धोखा दे रहे हैं। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता महंगाई से त्रस्त है। भाजपा की नीतियों से परेशान प्रदेश की जनता किसी तरह अपनी जीविका चला रही है। भाजपा के अपने चुनावी घोषणा में वादा किया था कि हम सरकार में आते ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किंतु रोजगार देने की जगह लोगों ने उनकी नौकरी से निकालकर उन्हें बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जिससे पूर्व कार्यकाल में जनता ने देखा और परखा है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सपा सरकार बनने पर ही प्रदेश की जनता खुशहाल व विकसित हो सकती है। कार्यक्रम में अनेकों नेताओं ने अपना विचार रखकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। बता दें कि कार्यक्रम में बकार खा, राम अनुग्रह गोस्वामी, बबलू पाठक, आनंद शुक्ला, सज्जन चौबे, रमा शंकर, दुबे दहन शुक्ला, पवन कुमार पांडे, हरिशंकर पांडे, प्रधान नकहा, ननकन छोटे, प्रधान राधेश्याम दुबे, पूर्व प्रधान शिवपूजन गोस्वामी, संजय शर्मा, कुलदीप श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए वैजनाथ अवस्थी की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।